गांव एक्चुअली में टेहरी गढ़वाल में हिमाचल से लगता हुआ मिलता है, बिकॉज बीच में एक नदी है, उधर हिमाचल है, इधर हमारा गांव है। सो हमारा ज्यादातर जो रीति रिवाज है हिमाचल गढ़वाल दोनों से मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ काउंसिल हूँ, इससे पहले मैंने शुरू करी अपनी जर्नी, मैं कजाकिस्तान में था, उसके बाद ट्यूनिशिया में सर्व किया मैंने, फिर चाइना सर्व किया है, ऑस्ट्रिया गया था, अफगानिस्तान गया था, फ्रांस गया था, और उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। जहाँ तक अपना उत्तराखंड का सवाल है, सभी वक्ताओं ने सब कुछ बोल दिया है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा बोलने के लिए। बाकी अजीत जी से मेरा सौभाग्य हुआ था बात करने का दिल्ली में, जब दिल्ली यहाँ से टूर पे आए थे किसी बिजनेस सिलसिले में, तो यहाँ पर औसफ सईद साहब जो पहले सीजी हुआ करते थे, मैं उनके ऑफिस में काम करता था, उनके साथ काम करता था, तो किसी मीटिंग के सिलसिले में हमने मेरी उनसे बात, तो मैंने बोल दिया है कुछ उत्तराखंड का रीति रिवाज, जो कि एक रिच कल्चर है हमारे उत्तराखंड में। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला है, हर चीज़ का जो अब थोड़ा थोड़ा धूमिल होते चले जा रहा है, लेकिन मैं जान सोचता हूँ कि शायद दोबारा हम उसमें रिवाइव होकर जा रहे हैं, वापस हम उत्तराखंड वही उत्तराखंड बनाए जो पंत साहब ने बोला था कि भाई खाली हो रहा है उत्तराखंड, गांव खाली है, घर में कोई नहीं है, लेकिन वो अब शायद दोबारा हम वापस जाएंगे और उसको हम दोबारा रिबिल्ड करेंगे, और वही हमारे उत्तराखंड की पहचान होगी, वही हम सब कुछ और उसी उत्तराखंड में रहेंगे। धन्यवाद। ब्रांडिंग होनी चाहिए। I think, this is Manoj Joshi, and Neha has already spoken more, so I'll say that it's very fortunate that being far away from India, from our parents, brothers, sisters, siblings, it's good to see that we have our extended family here, so which are with us in up and downs. So, हम उत्तराखंड सोसाइटी से 2019 से जुड़े हुए हैं, और हम लोग अभी लास्ट ईयर ही उत्तराखंड सोसाइटी में बोर्ड मेंबर्स बने हैं, और हम लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं, और डेरा दैट्स इट, थैंक यू। Hello everyone, my name is Anoop and she already spoken about us. We belong to Dehradun and here for since 2016. Joined Uttarakhand Samaj last year and very fortunate to we have this kind of family with us. Thank you. Actually I'm from originally from Haryana, but we most part settled in New Delhi, and Ravi's in-laws are our neighbors actually from this little suburb of Delhi called Badarpur. And this is the first time, I know he's invited me for last 9 years, but luckily this time I was able to make it here. And I am so pleased, we're so pleased that we came and really thoroughly enjoying it. And we thank you so much. I made the picture money. Then we said, next year, I'm going to make some money. Now we make some money, my wife, my sister, my brother-in-law, and हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया इवेंट है और बहुत ही मन भर जाता है। तो यू डिजर्व दावत बासमती फॉर वन मंथ।
और जस्ट वांट टू से जय उत्तराखंड, जय भारत, जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय भारत। और दिवाली का सेलिब्रेशन ऐसा सेलिब्रेशन है जब सभी लोग दिल खोल के मिलते हैं, और आज जिस तरह से लोगों ने आकर के इधर अटेंडेंस दी है, इससे ये भरोसा हो गया कि सबकी श्रद्धा देवभूमि उत्तराखंड पे है। और जब से सबने, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू लोग हैं, जब से सबने होश संभाला है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन चीज़ों के बारे में सुना नहीं होगा और गए नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द हिंदूज और मोस्ट ऑफ द इंडियंस। और मुझे आज खुशी है कि शिकागो में, अमेरिका के अंदर, हम लोग ये कल्चर यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और हम थोड़ा बहुत कामयाब हो रहे हैं। और वी आर सो प्राउड ऑफ अवर इंडियन कम्युनिटी, कि इस इंडियन कम्युनिटी में लोग इतने सपोर्टिव हैं, उत्तराखंड नाम सुन करके सब लोग लाइन लगा के आ गए। आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम थैंकफुल टू टीवी एशिया टू। सरसराती हवा, ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की दानी, देवतों का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड, ढोल दमों की थाप, मशक वीन की छाप है उत्तराखंड, होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड, पैचाबी छमा छम, हुड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड।